इन दिनों फेसबुक पर दोस्ती के बाद प्यार होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन लव आजकल बहुत आम हो गई है। लेकिन रेवाड़ी के शख्स के साथ फेसबुक पर प्यार करने के बाद जो हुआ उसे सुन आपका भी सोशल मीडिया के प्यार से भरोसा उठ जाएगा। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। रेवाड़ी के कपड़ा व्यापारी ने फेसबुक पर एक अनजान युवती से दोस्ती कर ली। दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हुआ और फिर व्यापारी युवती के बुलाने पर उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने उसे किडनैप कर उसके कपड़े उतरवा दिए। युवती के साथ व्यापारी की अश्लील वीडियो बनाई और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर अप्राकृतिक यौन शोषण भी किया और उसकी भी वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। यहां तक कि हवाई फायर कर 50 लाख की रकम मांगी। मैंने अपना कलड़ा दिल बनाया और मैं थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई थी। कौन लोग थे जो? ये मामला कोसली शहर का है जी, और व्यक्ति का नाम है प्रवीण पंगाल। बताएं। मेरे साथ गन पॉइंट पे वीडियो बनाई गई जी। मेरे को सुनसान जगह पर ले गए थे और ये मुझे नहीं पता कहाँ पर ले गए थे। मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी उन्होंने। कितने लोग थे? कम से कम 10 आदमी थे जी। वो बलेरो गाड़ी थी जी, और एक फायर किया था मेरे ऊपर जिसमें मैंने अपनी जान बचाई। 50 लाख रुपए फिरौती मांगी गई जी। तो, मैंने पैसे सोमवार को देने थे जी। तो फिलहाल तो है जी संतुष्ट, क्योंकि उसमें से एक क्या बोलो लड़की गिरफ्तार कर ली जी। बदमाश ने पीड़ित का पर्स और सोने की चेन भी छीन ली। जब पीड़ित ने उन्हें 15 लाख देने की बात का भरोसा जताया तब जाकर व्यापारी को छोड़ा गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। शाम को अमित निवासी कोसड़ी ने आजी थाना आके दरखास्त पेश की कि भाई मेरे को इस तरह एक लड़की ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा, उसने अपने मकान पे बुला के, और जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो 5-6 आदमियों ने मेरे को काबू करके घर के अंदर ले गए और मेरे उस लड़की के साथ वीडियो बना करके मेरे को गाड़ी में डाल के और अनजान जगह पे ले गए। वहाँ ले जाके मेरे से उन्होंने जो है मेरे साथ है प्राकृतिक काम करते हुए एक वीडियो बनाई और फिर मेरे से बोले कि 50 लाख रुपए दो वरना तेरी वीडियो वायरल करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके लगभग 15 लाख रुपए में सोमवार को देने के लिए तय कर दिया था। इसके बाद जब वो मेरे घर आए, घर मेरे को छोड़ के चले गए और बोले कि भाई मेरे गले से एक लॉकेट, चैन और गाड़ी के कागजात, मेरे पर्स उन्होंने छीन लिया और वहाँ जो सुनसान जगह पर मेरे ऊपर जो है ना हवाई फायर किया। तो मैंने 15 लाख रुपए देने की हाँ भर ली और उन्होंने कहा कि अगर 15 लाख रुपए नहीं हो तो आप अपने घर में जितनी ज्वेलरी और गाड़ी हमारे नाम करा दो वरना तुम्हें जीने नहीं देंगे। किन किए जाए ये अभियोग? मुकदमा जो है ना 148, 149, 342, 365, 379A, 307 और 385, 506 IPC के अंदर दर्ज हुआ है। 25/59/18 में दर्ज हुआ है और आरोपियों को बहुत जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। तो हम शाम ने ही गिरफ्तार कर लिया है और अभी उसके 164 के बयान करा रहे हैं और इसके उपरांत जैसे उसकी स्टेटमेंट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करें। महिला ने फेसबुक पर खुद से व्यापारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 16 अक्टूबर को महिला ने उससे मिलने की बात कही। पीड़ित को रास्ते से ही किडनैप कर लिया गया। आरोपियों ने गन पॉइंट पर व्यापारी के कपड़े उतरवाए और फिर महिला के साथ उसका जबरन वीडियो बना लिया। आरोपियों ने व्यापारी से 50 लाख की डिमांड की और धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करके उसे फंसा देंगे। लेकिन हिम्मत दिखाते हुए व्यापारी ने पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।